बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। आए लोगों, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो उसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ नौला का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने खंदों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन ने अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। आए लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज़ों को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है, या किसी इंसान का हक खाया है, या किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फौज यजीद एक आवाज़ में कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बखुस में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, आए लोगों, आज जिस इस्लाम का आलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये आलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर व खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग के हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज इस अली को ही अजर दे रहे हो। आए लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा, और आज इस अली और औलाद रसूल को ये कर रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिपे सालारों ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए। आए शिमर, क्या देख रहे हो? हमला करो। हम लाखों की फ़ौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया और ज़ुल्फ़िकार को मियान से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिनार कर रहा है कि फौज अशखियात वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौज यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग को देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग को देखो, रसूलुल्लाह के नवासे की जंग को देखो, उसकी जंग को देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की खबर बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब से आती है, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन ने अपनी ज़ुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिमर क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको हरा देना नामुमकिन है। जाओ खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो जो चीज़ है वो दूर से ही हुसैन को मार दे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थी वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियाँ थी वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा है, जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म ज़मीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ बीटता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हज़ारों ज़ख़म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर देख के आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े से ज़मीन पे उतरते हैं, फौज यजीद झूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे, वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि उन तीरों से मैं अपने आखा हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था, इतने में उमर बिन साद ने कहा, आए लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर उस घोड़े को ना लगे और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है, उन लोगों को इस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे,
लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखते हैं तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नज़र आता था और वो चीख के दूर चले जाते। इतने में शिमर कहने लगा, एक काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखा इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बददुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान खरीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे थे कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ और बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तुम क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर खलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नो के सीना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीद करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थीं इनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, वो उतारने की कोशिश की, ना उतरी तो वो जालम उंगली काट के अंगूठी ले लिया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म ज़मीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, आए शुमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्म के सरों से काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हूर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं, हम अली असगर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म ज़मीन पे पड़ा रहा और मग़रिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ के घोड़े मग़रिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि इनकी दाई फसलियाँ बाई फसलियों की तरफ चली गई और बाई फसलियाँ दाई फसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बिखेरा गया।